गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चैप्टर स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखी थी और उसका वेक्टर काउंटर पार्ट देखा था, दैट इज करंट डेंसिटी। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ड्रिफ्ट फिलोसिटी। और अगर ड्रिफ्ट फिलोसिटी में मानता हूं, अगर समझ में आ गया है तो आपको पूरा जो क्रक्स है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, किस तरीके से उसमें काम हो रहा है, या किस तरीके से हम जब आगे उसमें पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट देखेंगे या जो भी चीजें हम बात करेंगे वो सब इसी टॉपिक में से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो आज का जो हेडिंग है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम VD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के रिस्पेक्टिव में देखा जाए तो। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने से पहले हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं और वहां तक पहुंचते हैं पहले। ठीक है, वहां तक का एक बिल्डअप ले लेते हैं पहले। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी तक आते हैं, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि अगर किसी कंडक्टर पे कंडक्टर भी कैसा आइसोलेटेड कंडक्टर है ना, आइसोलेटेड कंडक्टर, यही बात करी थी हम, यही पढ़ा था अपन ने किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टर यानी कि सिंगल कंडक्टर है। ठीक है, अगर मैं उसमें बाहर से कोई क्या लगाता हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ तो क्या होगा? सर, ये होगा कि जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भागने स्टार्ट करेंगे किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। अब क्या होगा जब ये भागना स्टार्ट करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इस एंड पर आकर इकट्ठा हो जाएंगे और यहां पर क्या रह जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता है, तो अपन यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर इस सिस्टम के होल की बात करें तो सिस्टम ऐसा होल न्यूट्रल है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन सब इधर मूव होके आ गए तो इधर जो बचा वो क्या बची, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, पॉजिटिव बोल सकते हैं, है ना। अब ये अभी नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया है, अब जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये जो चार्जेस हैं क्या करेंगे, ये इंड्यूस करेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे एक इंड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको अगर मैं थोड़ा इरेज कर दूं तो यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, इसको इंड्यूस बोल देते हैं। ठीक है, यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, किसकी वजह से हुआ, इन दो चार्जेस की वजह से यहां पर क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हो गया है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बोला कि अगर मैं आइसोलेटेड कंडक्टर लूँ, किसकी बात चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात चल रही है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो जब मैं उसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो क्या होगा, हमें ये पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर पे लगाया जाए, आइसोलेटेड कंडक्टर पे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई नेट इनसाइड की अगर बात करें, तो वो क्या होता है सर, वो जीरो होता है। ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं, बार बार आया है हमारे। ठीक है, और कैसे होगा वो, जिस तरीके से होगा, इसको एक बार थोड़ा सा और जान लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो अगर हम देखें, ये ई एक्सटर्नल लगा तो यहां पर जो चार्जेस था उनका सेपरेशन हुआ। जब ये सेपरेशन होगा तो हमने पढ़ा है कि जो दो चार्जेस होते हैं यहां पर क्या करेंगे, इंडक्शन करेंगे या चार्ज या फील्ड इंड्यूस करेंगे। इन्होंने इन चार्जेस ने क्या करा है, फील्ड इंड्यूस करा है, एक फील्ड इंड्यूस किया। इस फील्ड इंड्यूस की वजह से क्या हो गया, यहां पर एक इंटीरियर या अंदर की तरफ एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, इसकी अगर हम बात करें, ई इंड्यूस की बात करें, तो ये इक्वल एंड अपोजिट होता है किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट रहता है। कैसे रहता है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमें पता है कि जब ये लगेगा ईएमएफ, तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या एक फोर्स लगने वाली है,
और वो क्या करेंगे, रश करेंगे। रश किस तरफ करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो नेगेटिव चार्जेस इधर इकट्ठे होंगे, इधर क्या होगी उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये क्या करेंगे, एक फील्ड इंड्यूस करेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अंदर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी सर, वो एक्सटर्नल के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है उसने इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया सर, जितनी सी कैपेसिटी थी, जितनी सी कैपेसिटी थी। ऐसा नहीं है कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दीजिए कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए, ऐसा नहीं है। अगर इसमें बात करें तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, बतेरे होंगे, बतेरे यानी ये करोड़ों में होंगे, करोड़ों भी कम होंगे, ठीक है, लमसम लमसम 10^29 के ऑर्डर के हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी कंडक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, और कितना मूव करेंगे जब तक इसको बैलेंस ना कर दें। अगर मैं ईएमएफ बढ़ा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ईएमएफ बोल दिया मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ एक्सटर्नल, तो ये भी क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं और ये जीरो हो जाता है। और ये हमने वहां पर प्रूफ करके भी देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कि अगर हम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो जब जीरो हो जाएगी तो ये नेगेटिव चार्जेस यहां पर रह गए, पॉजिटिव चार्जेस यहां पर रह गए, इनका क्या हो गया, यहां पे अक्यूमुलेशन हो गया है, क्या हो गया है, अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज यहां पर देखने को मेरे को मिल रहा है। इसके अलावा भी यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां पर सवाल प्रोड्यूस होता है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन्स जो बच गए इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, क्या वो अभी भी मूव कर रहे होंगे, क्या वो अभी भी मूव कर रहे होंगे। तो अगर हम बात करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अब जो अंदर बचे हुए हैं, ये तो अक्यूमुलेट हो गए यहां पर और इन्होंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दिया, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इनसाइड और बाहर की लेकर अगर बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं ये जो कंडक्टर है ऐसा नॉर्मल पड़ा हुआ है, जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड ने बैलेंस करके जीरो कर दिया है, पर जो अंदर के इलेक्ट्रॉन से क्या वो अभी मूव कर रही है, हमारा सवाल था। तो मैं बोलूंगा कि सर हाँ बिल्कुल मूव कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं, अगर हम बात करें तो ये जो कंडक्टर है कहीं पे रखा होगा, ठीक है, मान लीजिए यही मेरे हाथ में रखा हुआ है, तो जो इसका टेम्परेचर होगा और जो बाहर का टेम्परेचर होगा उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। मान लीजिए कि ये 25 डिग्री पे है कंडक्टर, और बाहर मान लीजिए कोई 28 डिग्री है, 29, 30 कुछ भी टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ये जो कंडक्टर है, ठीक है, वो क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और वहां पर क्या होगा, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर। और आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या हीट एंड ट्रांसफर में ये पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो एटम्स है वो बाहर से एनर्जी गेन करके क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और जो एनर्जी वो गेन करते हैं उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना, यही हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से या इस थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो यहां पर आयंस है, जो यहां पर आयंस है, अगर मैं बात करूं इस कंडक्टर की, तो ये कंडक्टर में कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगा। ये कंस्ट्रक्शन किसका है सर, ये एटम्स हैं जो एक लैटिस बना रहे होंगे, जो एक लैटिस बना रहे होंगे, इसके आगे पीछे बहुत सारे होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ आयंस रहेंगे, आयंस मतलब एटम्स रहेंगे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ग्राफ डायग्राम अपन ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से एक जाली नुमा लैटिस बना रहेगा, और ये सब क्या है, एटम्स हैं। इन एटम्स, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो फ्री टू मूव होंगे, फ्री टू मूव होंगे। अभी फ्री टू मूव कैसे हैं, ठीक है, तो जब यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है तो ये एटम और ये इलेक्ट्रॉन सब क्या करेंगे, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे। जब भी वाइब्रेट करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, अब इतना गैप नहीं होता है इनके बीच में, सब टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड्स में, हमें पता है, ठीक है, ये 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, जो सॉलिड्स होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, गैसेस में थोड़े मतलब ज्यादा होते हैं और लिक्विड में
उनके बीच की डिस्टेंस नॉर्मल सी रहती है। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयन्स हैं, अभी आयन्स हैं यहां पर क्यों, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, ये काइनेटिक एनर्जी गेन करके निकला है। ठीक है, क्यों निकला है, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये मॉलिक्यूल भी उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये मॉलिक्यूल भी उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो जो कंपैरेटिवली फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे लग रही है वो वीक है, तो जो बाहर से उसको एनर्जी मिल रही है उससे वो एक्साइट होके इजीली बाहर आ जाता है। ठीक है, अब उसके पास और एनर्जी है बाहर से, अभी टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो ये इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, एक एनर्जी होगी, और इस मॉलिक्यूल के पास भी एक एनर्जी होगी, और ये अपनी पोजिशन पे क्या है, वाइब्रेट करेंगे। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो ये क्या है, यहां पर रेंडमली मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, ये यहां पर रेंडमली मूव करने लग जाएंगे, तो जिस एनर्जी से ये मूव करेंगे वो कौन सी एनर्जी होगी, सर वो थर्मल एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी, और उसकी वजह से जो इनके पास वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जब सब इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो सब रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, सब रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, और जो इनकी इनिशियल स्पीड रहेगी, मान लीजिए इसकी U1 है, इसकी U2 और इसकी U3। ठीक है, ये सब वेलोसिटी वेक्टर्स में है, तो ये वेक्टर लगा देते हैं इनके ऊपर। ठीक है, यहां पर भी ध्यान रखना ये सब वेक्टर में है, अगर मैं कहीं साइन लगाना भूल जाऊं तो अपने आप से लगा देना। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग थर्मल स्पीड से मूव कर रहे हैं। थर्मल स्पीड की अगर बात करें तो थर्मल स्पीड जो होती है वो ऑलमोस्ट 10^4, 10^5 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, यानी कि कोई नॉर्मल स्पीड नहीं है, बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहा है, और वो स्पीड कितनी है सर, 10^5 के ऑर्डर की है, 10^5 के ऑर्डर की है। ठीक है, यानी कि लाख हो गए, ठीक है, 1,00,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, या 10,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब जब ये मूव करेंगे, या पहले इनकी एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करूं इन सब की, क्योंकि अब ये चल रहे हैं ऐसे जगजग इधर उधर और मूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई इधर जरा शूं चल रहा है इसमें। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाएगा रैंडम, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो पॉजिटिव आयन्स है अपने लैटिस से जाकर ये टकरा जाएगा, जो जाली है उन जाली के जो आयन्स है उनसे जाकर ये टकराएगा, और जैसे ये टकराएगा इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे वो कोलाइड करेंगे तो हमें पता है चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम की वजह से यहां पर इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, फिर वापस से एनर्जी गेन होगी, एनर्जी कंटिन्यूअसली गेन हो रही है, फिर ये वापस एनर्जी गेन करेगा, फिर वाइब्रेट करेगा, फिर मूव करना स्टार्ट करेगा, तो जिस स्पीड से ये मूव करेगा उसको हमने माना है U1, U2, U3। ठीक है, अब अगर मैं नेट वेलोसिटी की बात करूं या थर्मल वेलोसिटी की बात करें, नेट वेलोसिटी ओवरऑल की अगर बात करें तो वो जीरो होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर किसी पार्टिकल के लिए देखें तो ये पार्टिकल पहले मान लीजिए यू गया फिर यू आएगा, ऐसे ये रैंडम मोशन करता रहेगा। ठीक है, जब ये रैंडम मोशन करेगा, ठीक है, तो नेट वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी की अगर बात करें या वेलोसिटी की बात करें तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, लमसम जीरो होगा। तो जब वो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगा, ओवरऑल केस की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक की बात करें, मान लीजिए कोई इतना गया तो कोई नेगेटिव भी जाएगा। ठीक है, तो जब हम एवरेज की बात करेंगे, यानी कि यू एवरेज की बात करूं, मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, तो वो मेरे को कितनी मिलती है, वो मिलती है मेरे को जीरो। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यू एवरेज को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, U1 + U2 वेक्टर प्लस ऐसे अप टू एन मॉलिक्यूल्स होंगे, एन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनकी एन वेलोसिटीज अलग अलग, और जब उनका एवरेज लेंगे तो ये जो एवरेज होगा ये कितना हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला है। ठीक है, तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बोला इसको एक बार हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। मैंने बोला कि मैंने कोई आइसोलेटेड कंडक्टर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक से चल रहे हैं अपन, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैट था वहां पर
जितनी बात करी थी वो आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करी थी, कोई कंडक्टर का पीस उठाया, कोई मेटल पीस उठाया और उसपे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। जब हमने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो हमने देखा कि उसके अंदर ये जो उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पर आ जाते हैं, जो एक्सटर्नल मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं और एंड्स पे जाकर अक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, जब इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ उस टाइम पर जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उन्होंने क्या करा, ईएमएफ इंड्यूस करा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दिया। तो जो यहां पर चार्जेस थे वो यहीं पे रह गए, जो यहां पर थे वो यहां पर रह गए। ठीक है, तो फिर मैंने बोला कि भाई जो इंड्यूस ईएमएफ है वो एक्सटर्नल ईएमएफ के इंड्यूस के बराबर है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट है और ओवरऑल देखें तो जो ईएम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब इस केस में हम बात कर रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। भाई पहले तो जब मैंने लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से बैलेंस किया कि जो इंड्यूस ईएमएफ था इनसाइड का उसने बाहर वाले को कैंसिल आउट कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि अब जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करेंगे तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल, कैसे करेंगे, थर्मल डिफरेंस की वजह से या थर्मल एनर्जी की वजह से। थर्मल एनर्जी कहां से मिल रही है, हीट के फॉर्म में, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मिल रही है। ठीक है, उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो वेलोसिटी गेन हुई है उसको हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, उसको यू से डिनोट करते हैं, उसको यू से डिनोट करते हैं। और उसका ऑर्डर की अगर बात करें तो वो होता है ऑलमोस्ट 10^5 मीटर पर सेकेंड या 10^4 मीटर पर सेकेंड, ये लमसम लमसम वैल्यू है ना। तो हमने बात करा, मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये मूव कर रहे हैं। किस तरीके से मूव करेंगे, रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें या किसी भी कंडक्टर की बात करें तो उसके अंदर का जो लैटिस है, हर कंडक्टर का लैटिस अलग अलग होगा। ठीक है, और उस लैटिस में जो आयंस और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्फिगरेशन होगी वो अलग अलग होगी। तो कोई स्ट्रेट पाथ किसी इलेक्ट्रॉन के पास होगा नहीं। और ये कैसे मूव करेंगे सर, ये वाइब्रेशन की वजह से मूव करेंगे। तो ये वाइब्रेट करेगा, दो वाइब्रेशन के बीच में पॉसिबल नहीं है किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है। मान लीजिए आप भी यूं हिल रहे हैं और आपका दोस्त भी हिल रहा है और दोनों आप टकराए तो हो सकता है कोई किस डायरेक्शन में जाए, कोई किस डायरेक्शन में जाए। या आप सिंपल एग्जाम्पल कर सकते हैं, दो बॉल लीजिए और उनको अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो कीजिए। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में थ्रो कीजिए अपोजिट पोजिशन से, तो आप देखेंगे कि एक बॉल इस तरफ जाएगी, एक बॉल इस तरफ जाएगी, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में बॉल जा सकती है। तो सेम केस यहां पर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी अगर हम नेट वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो वो कितनी हो गई है, जीरो हो गई है। इसी वजह से अगर ये नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होती, अगर नहीं होती, मान लीजिए नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो क्या होता कि जो कंडक्टर है वो क्या मानने लग जाता, वो करंट प्रोड्यूस करने लग जाता, वो करंट प्रोड्यूस करने लग जाता। अभी तो ये क्या है, नेट वेलोसिटी जीरो, यहां से हम बोल सकते हैं कि सर इसी वजह से अगर कोई कंडक्टर का पीस हो और वो ऐसे ही नॉर्मली पड़ा हो और उसको मैं हाथ लगाऊं तो मुझे करंट नहीं आता है। पर अगर ये नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो क्या होता कि कोई कंडक्टर पड़ा और मैं उसको हाथ लगाता और मुझे ऐसे करंट सा लग जाता। ठीक है, तो उस करंट से बचे हुए हैं अपन क्यों, क्योंकि जो नेट वेलोसिटी है, जो नॉट नेट थर्मल वेलोसिटी, वो यहां पर क्या है, जीरो है। जो नेट डिस्प्लेसमेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, यहां पर जीरो है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, थोड़ी सी और बात को आगे बढ़ाते हैं, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा कंडक्टर है, ये जो मेरा कंडक्टर है, इसके अक्रॉस मैं एक पोटेंशियल क्रिएट कर देता हूं, एक पोटेंशियल क्रिएट कर देता हूं, या इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। सिंपली बोल देते हैं कि जब मैं इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो पहला वाला जो केस था जो हमने बात करी थी वो एज इट इज है, यानी ये एक्सटर्नल फील्ड लग रहा है ऐसे, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, यहां पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यहां पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, वो वाला केस एज इट इज है अभी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर रैंडम मोशन कर रहे हैं वो एज इट इज कर रहे हैं। मान लीजिए यहां पर कोई बैटरी लगाई जिसका वी पोटेंशियल है, ठीक है, उसकी वजह से यहां पर क्या होगा, एक हायर पोटेंशियल बनेगा, यहां पर एक लोअर पोटेंशियल बनेगा। अब जैसे बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अब इस केस की बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए मैंने यहां पर जैसे बैटरी में लगाई, तो बैटरी लगाने से क्या होगा कि जो कंडक्टर है
उसको क्या मिल गया, कनेक्टिंग वायर मिल गया और एक बैटरी मिल गई, ये पहली चीज तो ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये एक्सटर्नल फील्ड यहां पर मैंने लगाया तो इलेक्ट्रॉन यहां से सोच रहा था कि मैं यहां पर जाऊंगा, यहां पर इकट्ठा हो जाऊंगा और वहां पर बैठ के अपन पार्टी करेंगे, पिकनिक मनाएंगे कि सारे अपन वहां पर एक जगह मिल जाएंगे और अपन पार्टी करेंगे, गैंग बना लेंगे दो अलग अलग, और दोनों गैंग में भी लड़ाई होगी, उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा और वो अपन बाहर वाले को कैंसिल करके भगा देंगे, बाहर वाला हमने क्यों दबाव बनाया, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा सोचा इलेक्ट्रॉन ने। अब जैसे ही यहां पर आए बाहर की तरफ, ऐसे आएंगे यहां पर, तो ये देख रहे हैं कि यहां पर एक और रास्ता है और यहां से स्लिप हो जाते हैं, यहां से स्लिप हो जाते हैं। क्यों स्लिप हो रहे हैं वो हमें पता है कि इस तरह यहां पे पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहां पे हाई पोटेंशियल बन रहा है, लो पोटेंशियल बन रहा है। अगर हम बैटरी की बात करें, तो बैटरी क्या करती है सर, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो क्या करती है, वो जो इस इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने नहीं देती, उसे चलाती रहती है, उसे चलाती रहती है। यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा वो यहां से स्लिप होकर नीचे आ जाएगा, या ये बोल दीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा उसको आगे भी रास्ता मिलेगा, तो फिर वो आगे मूव करेगा और फिर आगे मूव करते हुए यहां पर देखेगा कि पॉजिटिव आयन है और वो उसकी तरफ चलता जाएगा और ऐसी साइकिल चलती जाएगी, ठीक है। यह समझने के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन है और ये क्या पार्टी करने जा रहे थे इधर, इन्होंने सोचा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें तो कोई रोकने वाला है ही नहीं, हम इसी एरिया में रहते हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कुएं के मेंढक, कि भाई वहां उस कोने में बैठेंगे आराम से पार्टी शार्टी करेंगे, पर उस कोने में गए तो वहां देखा कि वहां तो दरार है और वो स्लिप हो गए और कहां पहुंच गए, समुद्र में, नदी में पहुंच गए। अब जैसे नदी में पहुंचे, नदी का क्या काम है, नदी चलती रहती है, बहती रहती है, ठीक है। तो बैटरी क्या कर रही है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको चलाए रख रही है, चलाए रख रही है, और वो इधर से इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, जो चार्जेस है, वो अक्यूमुलेट होना रुक गए, अब चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं, अब चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर बैटरी और कनेक्टिंग वायर्स आ गए हैं, बैटरी एंड कनेक्टिंग वायर्स आ गए जो क्या कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड करा रहे हैं पाथ, प्रोवाइड देम पाथ, और पाथ भी कैसा है, कंटिन्यूस पाथ है ना, जो उनको चलाया जा रहा है। अब जब वो चल रहा है तो क्या होगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्सटर्नल, वो तो एज इट इज बना हुआ है, पर अब जब वो चल रहा है तो यहां पर जो पहले ही इकट्ठा हो रहे थे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, खत्म होने लग जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं ई नेट इनसाइड की बात करूं तो वो क्या हो रहा है सर, वो अब कम होने लग गया, वो अब धीरे धीरे कम होने लग गया, और एक केस आएगा जब वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, जब ये केस आएगा तो क्या होने वाला है सर, जो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट की बात करूं, इसको ई नेट की जगह ई इनसाइड बोल देते हैं अपन, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ई इनसाइड क्या हो रहा है, धीरे धीरे सर डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होते होते क्या होगी उसकी, वो जीरो हो जाएगा। अब मैं अगर ई नेट की बात करूं टोटल सिस्टम की, तो वो क्या है सर, नॉट इक्वल टू जीरो है, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा सर, वो दिख भी रहा है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो कौन सा बचा है, ये बचा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को चलाता रहेगा, और यहां से इस पॉइंट पर आने के बाद हम बोलते हैं कि अब इस कंडक्टर में या इस सिस्टम में आप क्या प्रोड्यूस होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या प्रोड्यूस होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बेसिक स्टोरी थी, ठीक, किस तरीके से करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब जैसे जैसे हम डेरिवेशन के पास जाएंगे, ठीक है, हम देखेंगे कि किस तरीके से करंट मूव कर रहा है, करंट की वेलोसिटी क्या है, ठीक है, तो वो सब अपन जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो ये तो सबको समझना आया होगा कि तक सर ये हो गया, अब थोड़ा और आगे बात को बढ़ाते हैं, ठीक है, डायग्राम को ऐसे छोड़ देता हूं मैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, अब मैं आगे देख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ई एक्सटर्नल, अंदर भी एक्सटर्नल बन गया ई एक्सटर्नल, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव करा रहा है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा कहां पर,
ये बार बार बोल रहा हूं मैं, किधर मूव करेगा सर? अपोजिट डायरेक्शन में। कर इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जाते हैं? एक्सटर्नल फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और पॉजिटिव आयन से पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो किधर जाते हैं? ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर करंट की बात करें तो करंट कहां पर होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा। यानी यहां पर देखें, यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ई बोल देते हैं, इसको ई बोल देते हैं, सब वेक्टर में है, ये फोर्स भी वेक्टर में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर में है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। और मान लीजिए अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो जी जा क्यों रहे हैं? उनपे फोर्स लग रहा है, उनपे फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा, ये क्या QE के बराबर होगा? क्या ये QE के बराबर होगा? अभी इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस क्यू हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दे तो उस पर लगने वाली फोर्स कितनी होती है सर? वो होती है एफ इक्वल टू QE। कितनी होती है? एफ इक्वल टू QE। तो अगर मैं बात करूं यहां पर किसी भी फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी सर? वो हो जाएगी एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है। और Q की अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज है तो माइनस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनस क्यू आएगा यहां पर, ठीक है, माइनस क्यू ई और इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ये हमारे पास क्या आया? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन आ गया मेरे पास, कि किसी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सर? वो होगी क्यूई। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। और जब क्यू की भी, या मतलब क्यू की वैल्यू डाली, क्यू कितना है यहाँ पे? चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया मेरे पास वैल्यू। माइनस साइन क्या बता रहा है सर? डायरेक्शन बता रहा है कि जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पर है, ठीक है, वेक्टर में लिया है मैंने, ठीक है। चलिए अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, भाई फोर्स लग रही है तो वहां पे एक्सेलरेशन भी होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है सर? एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। यही फॉर्मूला हम पढ़ते हुए हैं सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ। तो वैल्यूज अगर मैं पुट करूं यहां पर, तो फोर्स की वैल्यू कितनी थी सर? यहां पर थी मेरे पास क्यू ई अपॉन एम, तो ये वेक्टर यहां पे और ये साइन यहां पर, ठीक है। और क्यू की वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो माइनस ई बाई ई और एम, ये मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन, है ना। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑन एन इलेक्ट्रॉन प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये मेरे पास आ गई फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर अगर हम ध्यान से सोचें तो मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था कि जब चार्ज रेस्ट में हो, जब चार्ज रेस्ट में हो तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट्स की, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट्स की। फिर मैंने बोला था अगर चार्ज मूविंग हो तो दो केस होंगे, है ना। कौन कौन से केस होंगे सर? आपने बोला था अगर चार्ज मूविंग हो तो एक होता है वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, और एक था कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो जब हमने कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वाला केस पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में कौन सा केस पढ़ रहे थे हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब वेरिएबल वेलोसिटी हो यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन हो, एक्सेलरेटेड मोशन हो, तब हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था, है ना, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था। अब सर यहां पर अगर हम देखें कि इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रही है और वो कैसे मोशन में? एक्सेलरेटेड मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन में। और आप बोल रहे हो कि यहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, पर ये तो कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि यहां पर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है इसको समझते हैं हम, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रेस करता हूं और फिर अपन बात करते हैं कि सर कैसे ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। यहां पर दिख रहा है हमको कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है और मैं बोल रहा हूं कि नहीं है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, इस बात को प्रूव करते हैं कि क्यों नहीं है।
चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, किसकी बात कर रहा था, मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा था, मेरे पास कहता था माइनस ई ई वेक्टर बाई एम। चाहो तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, ए इक्वल्स टू ई ई बाई एम। और इसको देख के मेरे को लग रहा है, क्या लग रहा है, दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विद द एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। यहां से देख के लग रहा है, इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विद एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। ये यहां से देख के मुझे पता चल रहा है कि भाई सर, इसको देख के मुझे पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन से चलेगा। अब वापस से अपन लैटिस वाली बात करते हैं, जो मैंने यहाँ पे लैटिस ड्रॉ किया था, यानी कि आयंस होंगे वहां पर, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। आयंस क्यों है, क्योंकि किसी भी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पर पॉजिटिव आयन बचेगा, ठीक है। उन सभी को एनर्जी मिल रही है, कहां से मिल रही है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, है ना, यानी कि बाहर के सराउंडिंग की जो टेम्परेचर थे उसके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वहां पे थर्मल एनर्जी क्रिएट हो रही है, और जिसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो काइनेटिक एनर्जी के थर्मल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां पर देख के पड़ रहा है मुझे कि वो जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन में। अब बात करते हैं कि मान लीजिए ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये कुछ रैंडम से मैंने बना दिए क्या पॉजिटिव आयंस। अब मेरा इलेक्ट्रॉन है यहां पर गोला वाला, ठीक है, ये मूव करेगा, ठीक है, इसके कंपेरिजन में ये छोटा है पर दिखाने के लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है मेरा गोला वाला। अब ये क्या करेगा, जैसे ये मूव करेंगे ये सब अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे मेन पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फ्री है मूव करने के लिए, ये तो अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकते, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे। जबकि अपनी पोजीशन में वाइब्रेट करेंगे दोनों, तो ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे। ऐसा नहीं कि ये भी वाइब्रेट कर रहा है, पर इन दोनों के बीच की जो जगह है वो बहुत कम है, उस वजह से इन दोनों के धक्के से, और इसको भी स्पेस चाहिए, तो क्या करेगा, आगे मूव करने की कोशिश करेगा। किस स्पीड से मूव करेगा, अगर मैं बात करूं तो हमने बात करी सर यू1 स्पीड से बात करेगा, यू1 स्पीड से। हमने देखा कौन सी स्पीड थी, काइनेटिक या थर्मल वेलोसिटी। जब ये थर्मल वेलोसिटी से आगे मूव करेगा तो जाकर इससे टकराएगा, ठीक है, जैसे ही टकराएगा इसकी स्पीड जीरो, इसकी स्पीड जीरो, वापिस से ये थर्मल वेलोसिटी गेन करेगा, फिर मूव करेगा, मान लीजिए इधर आ गया, वापिस से ये इधर आ गया। अब की बार जो इसकी स्पीड है वो यू2 है, अब की बार इसकी स्पीड, या इसकी स्पीड कांस्टेंट मान लेते हैं कि हर बार एक ही स्पीड चलेगा, यू1 से टकराने के बाद वापस एनर्जी गेन करेगा और फिर यू1 स्पीड से चलेगा। तो ऐसा बार बार होगा इसके साथ, ये यू1 स्पीड से चलेगा, फिर जीरो, फिर यू1 से चलेगा, फिर जीरो, फिर यू1 से चलेगा, फिर जीरो, ठीक है, ऐसा बार बार होगा, बार बार होगा, बार बार होगा। और कितनी बार होगा सर, हमें पता है कि जो यू1 है, ये जो यू है, ये कितना है, ऑलमोस्ट 10^5 m/s, यानी कि इतनी तेज कि हमें पता भी ना चले और इतनी तेज ये मूव कर रहे होंगे। कब, जब ये नॉर्मली पड़ा हुआ है, जब ये नॉर्मली पड़ा हुआ है तब का केस है ये, है ना, केवल थर्मल एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ये स्पीड से चल रहा है 10^5 m/s से। अब जब ये स्पीड से चलेगा धर 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 धर, कभी इधर टकराया, कभी उधर टकराया, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, इस तरीके से मूव करता जा रहा है, बार बार इसकी स्पीड जीरो होगी, बार बार यू1, बार बार जीरो, बार बार यू1, ठीक है, कुछ यहां पर भी स्पीड होगी वी1 मान लीजिए टकराने से पहले, ठीक है। तो जब ये बार बार टकराएगा, बार बार, ठीक है, तो यहां से यहां एक्सेलरेट तो कर रहा है, बार बार एक्सेलरेट तो कर रहा है, पर बार बार टकरा के, और जो टकराने का टाइम है वो भी अभी हम निकालेंगे रिलैक्सेशन टाइम, तो हम देखेंगे कि इतनी बार टकराता है, इतनी बार टकराता है कि जो नेट वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, जीरो हो गई है, वो जीरो हो गई है, यानी कि नेट वेलोसिटी की हम बात करें तो वो जीरो हो गई। जब नेट वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी कितना, जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस से मूव करेगा, एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि वो इतनी तेजी से मूव करेगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है या वो बार बार टकरा रहा है, हमें क्या लगेगा कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये जो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है वो भले ही इसको एक्सेलरेट कर रही हो, पर उससे जो नेट इफेक्ट है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकता हूं, बट ड्यू टू कंटिन्यूस, बट ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन्स, बट ड्यू टू कंटिन्यूस
कोलिजन विद लैटिस आयंस, विद लैटिस आयंस द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, बार बार कम हो जाती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल केस की बात की जाए, तो क्या होगा कि सर जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता दिखेगा। इलेक्ट्रॉन विल सीम टू अपीयर टू मूव विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड, और डायरेक्शन क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड इन डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल, ठीक है। इसे इलेक्ट्रिक जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अपोजिट में मैं मूव करता हुआ वो देखेगा। इस प्रॉब्लम में ये मान के चल रहा हूं मैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ इस तरफ लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन देख लेना अपने हिसाब से, पर इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से टकरा टकरा के मूव कर रहा है और धीरे धीरे अपनी पोजिशन से वो आगे मूव करेगा। अब ये जो कॉन्स्टेंट स्पीड है जिससे वो मूव कर रहा है, इसी कॉन्स्टेंट स्पीड को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस कॉन्स्टेंट स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहां पर एक चीज जो ध्यान देने वाली है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसी एक इलेक्ट्रॉन की नहीं है, किसी एक इलेक्ट्रॉन की ही नहीं है, ये है एक एवरेज, ये एक एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी सिस्टम में प्रेजेंट है उन सबकी एवरेज वेलोसिटी है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो जिस कांस्टेंट स्पीड से रहेंगे उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, बीडी वेक्टर से, ठीक है। डायरेक्शन है इनके पास, कौन सी डायरेक्शन है सर, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब अपन चलते हैं यहां से, जो एक्सप्रेशन है वेलोसिटी ड्रिफ्ट या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, यहां तक तो हमारी कहानी थी कि क्या कैसे हुआ, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कि भाई, एक बार मैं रिपीट भी बोल देता हूं वापस से, कि हमने देखा कि कोई कंडक्टर था जो आइसोलेटेड था, जो किसी बैटरी से किसी से कनेक्टेड नहीं था, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था। जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था तो क्या हो रहा था, जो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्टर के अंदर, वो एक अपोजिट इंड्यूस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बाहर वाले को जीरो कर देता था। पर उसके बावजूद भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रुकते नहीं थे, वो अपना रैंडम मोशन जारी रखते थे। कहां से उनको एनर्जी मिलती थी, उनको एनर्जी मिलती थी सराउंडिंग टेम्परेचर से, जिसकी वजह से वो थर्मल वेलोसिटी से मूव करते थे, ठीक है। ये यहां पर एक बात खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर मैं उस पर एक बाहर से बैटरी या सोर्स ऑफ एनर्जी कनेक्ट कर दूं, तो क्या हो रहा था कि जो अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो रहा था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा था, अब वो खत्म हो गया धीरे धीरे, ठीक है। अब चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं, तो चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं तो वहां पर जो ईएमएफ है वो इंड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर की तरफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अभी भी बना हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से अब मूव कर रहे हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव कर रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फोर्स लग रही है किसी भी चार्ज पे, वो एफ इक्वल्स टू क्यू ई से दी जाती है। और यहां पर अगर बात करी जाए, तो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाती है, वो आ जाती है ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब मैंने बात करी थी कि सर आपने बोला था कि जब भी चार्ज या जब भी इलेक्ट्रॉन मोशन में हो और वेरिएबल वेलोसिटी से चले, तो आपने बोला था सर वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। पर आपने बोला कि नहीं, यहां पर तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, पार्टिकल एक्सेलरेटेड है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और बार बार टकरा रहा है, तो वो इतने ज्यादा कोलिशंस कर रहा है कि वो थक हार के मान लेते हैं कि भाई मेरे बाप
मैं इसी स्पीड से चलूंगा, मेरी स्पीड है ही नहीं, मेरी स्पीड ये मान लो मैं सारा चल ही नहीं रहा हूं, तो वो जो स्पीड हमने मानी है या जो स्पीड से वो मूव करेगा फाइनली वो क्या है, कॉन्स्टेंट स्पीड है, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसी डायग्राम पे वापस आते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे, यही मान लीजिए इससे मूव कर रहा था, ठीक है, ये पहली ही कंडीशन है नॉर्मल वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड भूल जाइए एक बार, ठीक है। अब जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये इलेक्ट्रॉन पे क्या है, एक फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो है धीरे धीरे क्या होगा, अपनी पोजिशन चेंज करेगा। मान लीजिए इस बार वो यहां पर ना आके यहां पर टकराया, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पर ना टकरा के यहां पर टकरा गया किसी इलेक्ट्रॉन से। अब दूसरा यहां पर है वो इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ ना जाके थोड़ा सा और वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा, और मान लीजिए वो यहां पर टकरा गया किसी इलेक्ट्रॉन से, पहले यहां पर टकरा रहा था, थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, फिर वापस रिटर्न हो रहा है, तो फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव होगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। मान लीजिए कि वो यहां पर पहुंच रहा था, तो इस बार यहां पर पहुंच गया, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट। और अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, पहले वो यहां पर जा रहा था, यहां पर आ गया, तो ये ड्रिफ्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से करेंगे तो हमें क्या मिल जाने वाली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाने वाली है। यहां पर अगर मैं कुछ और भी बात करना चाहूं तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स या दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं टॉ, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, ये इसको भी हटा के मैं वापस से लिख दूंगा, ठीक है। तो दो कोलिजन्स के बीच के टाइम को हम बोलते हैं टॉ, और उन दोनों के बीच का जो फ्री टाइम है या फ्री जो पाथ है, जिस पाथ पे चल रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और यहां से यहां आने का जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलते हैं ए। वो पूरे पार्टिकल के लिए या पूरे सिस्टम के लिए क्या होता है, सेम होता है। क्यों होता है, यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे बात किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब मैं बात करूं इसकी और इसकी, तो ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों चेंज होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम प्रॉब्लम्स में रिलैक्सेशन टाइम की या टॉ की बात करेंगे या फ्री पाथ की बात करेंगे, तो वहां हम बात करेंगे एवरेज टॉ, मतलब रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो ये सब एक बार नोट कर लीजिए, कर लिया होगा, चलो मैं इसको रिवाइज कर दूंगा एक बार, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अपन ने बात करी थी, मैंने अभी लिखा था कि मान लीजिए एक वो है लैटिस, एक लैटिस यहाँ पर, एक लैटिस यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है इस तरीके से, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। तो दो पोजीशंस के या दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उसको मैंने बोला था टॉ, और उनके बीच का जो फ्री पाथ है उसको मैंने बोला था लैम्डा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ टॉ क्या है, टॉ की अगर बात करें तो ये है टाइम बिटवीन, टू सक्सेसिव कोलिजन्स, और अगर मैं लैम्डा की बात करूं तो वो क्या है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। अगर टॉ की बात करूं तो टॉ को और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको रिलैक्सेशन टाइम, तो यहां पे इसको बोलेंगे हम रिलैक्सेशन टाइम, और ऐसे अगर मैं मीन फ्री पाथ की बात करूं तो इसको बोलते हैं फ्री पाथ, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम,
नहीं रहेगी। चलो तो अपन बात करते हैं एक्सप्रेशन की कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर एक्सप्रेशन निकाले अपन तो कैसे निकलेगा, ये तो बेसिक चीज हो गई। अब ऐसे ही ये किसी एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हुआ फिर यहाँ पहुंचा यहाँ पहुंचा यहाँ पहुंचा, ऐसे हम गिने मतलब बथेरे करोड़ों में इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने आपको वैल्यू बताई 10^29 के ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये किसी भी मैं एक एरिया मान लो उसके अंदर, ठीक है। मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, फिर इधर चल जाएगा तो किसी भी तरह का मोशन कर सकता है, ये इधर चला गया फिर इधर आ गया, ठीक है। तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि जिस स्पीड से ये बढ़ा उसको मैं U1 बोल देता हूं, ठीक है। यहां से और ये अगले कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा उसको T1 बोल देते हैं, यहां से लेकिन यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको λ1 बोल देते हैं। इसके लिए अगर बात करें तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको T2 बोल देते हैं, बीच की डिस्टेंस को λ2 बोल देते हैं। अगर इसकी बात करें, इसकी अगर स्पीड की बात करें तो उसको U2 बोल देते हैं, इसकी अगर बात करें तो इसके बाद U3 स्पीड है। ये सब वेक्टर्स में है, ध्यान रखना जो वेलोसिटी है, ठीक है। दो कोलिजन के बीच का टाइम सर T3, उसके बीच की डिस्टेंस λ3। अगर यहां पर एक्सेलरेशन की बात करूं तो इन सब में क्या है सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो है a, दैट इज a, है कि नहीं। अभी बताया था मैंने a की वैल्यू क्या होती है, e into इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब पे क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स है 1.6×10^-19 कूलम, और जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो भी फिक्स है, ठीक है। तो सब चीजें फिक्स है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया यहां पर सबके लिए कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये लैम्डा वन टाउ वन ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे होंगे और अलग अलग टाइम पे किसी भी चीजों से टकरा रहे होंगे। मान लीजिए कि मान ये जैसे कि यहां पर मैंने ये लैटिस बनाया था, ये आयंस बनाया, तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले से टकराए, ये हो सकता है इससे भी टकरा सकता है, ये जाके इससे भी टकरा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये 1 यूनिट की डिस्टेंस है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई सर, √2 हो गई, ये वाली डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी, ठीक है। तो जो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी चेंज होगा, तो टाइम हर बार चेंज हो रहा है, पर जब वो टाइम चेंज होगा, ठीक है, तो उसकी स्पीड भी अलग अलग रहेगी, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने बता ही दिया था कि यहां पे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, वो क्या है एवरेज है सभी का, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि सब पे जब ये कंडक्टर ले लीजिए मेरा, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ये एक्सटर्नल, ठीक है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो किस तरह मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट तरफ मूव करेंगे। अब किससे मूव करेंगे सर, हमें पता है किससे मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे, किससे मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। इसी पे अगर मैं वापस आऊं तो जब वो मूव कर रहा था, जब वो मूव कर रहा है यहां से, तो उसके पास इनिशियल स्पीड U1 थी, यहां पर इनिशियल स्पीड U थी और यहां पर इनिशियल स्पीड U3। जब वो किसी से टकराने वाला होगा उससे पहले क्या उसकी स्पीड V1 होगी, यहां पर क्या V2 होगी और यहां पर क्या V3 होगी, बिल्कुल होगी ना सर। जब वो डिस्टेंस ले रहा है, टाइम ले रहा है और उसके पास एक्सेलरेशन भी है, वो अलग बात है कि अगर ओवरऑल सिस्टम की बात करी जाए तो कांस्टेंट स्पीड है, पर अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए, किसी पाथ की बात की जाए, तो वहां पर वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसके पास इनिशियल स्पीड भी और कुछ फाइनल स्पीड भी होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, VD की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो वो क्या मैं ये बोल सकता हूं V1 + V2 + V3 + up to Vn अपॉन एन एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मैंने बोला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वी एवरेज है, इसको यहां पर मैं लिख भी देता हूं वी एवरेज। इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, चलो आगे देखते हैं। अभी जो V1 है, क्या अपन पुरानी बातों पे चले एक बार वापस, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, V = U + At। यहां पे अगर बात करें तो V1 की अगर बात करूं तो उसके लिए इनिशियल स्पीड कितनी थी, U1 थी, एक्सेलरेशन कितना था सर, उसके पास a था, और टाइम की अगर बात करें तो वो लगा रहा था T1 टाइम,
ऐसे अगर V2 की बात करूं तो वो क्या हो जाता सर, U2 plus A tau 2, और ऐसे अगर मैं करता जाऊं पर nth वेलोसिटी की बात करूं, nth पार्टिकल की बात करूं, तो वो हो जाएगा un plus A tau 10। क्या ये होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबका क्या है, सब ये सब अगर ध्यान देते हैं, सब वेलोसिटी वेक्टर्स है। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट करके देखते हैं अपन। तो डायरेक्ट पुट कर देता हूं मैं यहां पर, समझाते हुए चलता हूं कि कैसे मैंने क्या करा है। ठीक है, तो वेलोसिटी सब ऐड हो रही है तो इनको ऐड कर देते हैं, ये भी वेक्टर में है। तो बीडी की अगर मैं बात करूं तो ये यू वन यू टू यू थ्री, इनको मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, है ना, क्योंकि ये सब क्या है, ऐड होंगे। तो यहां पर आएगा यू वन प्लस ए टॉ वन प्लस यू टू प्लस ए टॉ टू प्लस यू टू प्लस ए मतलब यू थ्री प्लस ए टॉ थ्री, और इस तरीके से अब तक कहां तक, यू एन प्लस ए टॉ एन तक। तो क्या मैं यू वन को मतलब जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी उसको एक साथ देख सकता हूं, तो वो हो जाएगा यू वन प्लस यू टू प्लस अप टू यू एन डिवाइड बाय एन प्लस, आगे बढ़े तो सबका एक्सेलेशन सेम है, तो ये एक्स एक्सेलेशन कॉमन ले लिया, और उसके बाद टॉ वन प्लस टॉ टू प्लस अप टू टॉ एन बाय एन। जब हमने इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड को डिफाइन किया था तो मैंने बोला था कि यू एवरेज क्या होता है, जीरो होता है, वो कितना होता है यू वन प्लस यू टू प्लस अप टू यू एन बाय एन, ये हमने बात की थी, ये हमने बात की थी। तो यहां पर अगर बात करें तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाने वाली, जीरो हो जाने वाली, क्या हो जाने वाली है जीरो। तो यहां पर अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं वीडी की, तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस ए। अब टॉ वन टॉ टू टॉ थ्री, इसकी जगह मैं क्या यूज करना बेटर प्रेफर करूंगा, मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर सबकी तो मैं कैलकुलेट करना बैठूंगा नहीं, कि ये मैं जाके वहां बैठ गया इलेक्ट्रॉन के पास में, यहां भाई अब तू चल और मैं तेरे टाइम चेक करता हूँ कि दो कोलिजन के बीच में तूने कितना टाइम दिया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एवरेज की बात करूंगा, यहां पर भी एवरेज की बात करूंगा। तो टॉ एवरेज की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, टॉ वन प्लस टॉ टू प्लस अप टू टॉ एन अपॉन एन। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर किससे रिफर कर दूंगा, टू एवरेज से, टू एवरेज से। ठीक है, थोड़ा ऊपर का मैं इरेज कर देता हूं ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो अपन आगे डिफाइन कर सके। ठीक है, तो इसी को यहां साफ कर देता हूं मैं थोड़ा। ये पूरे को इसको भी लिख ही लिया होगा आपने। तो लास्ट एक्सप्रेशन की बात करें जहां पर अपन थे, तो अपन ने देखा कि जो वीडी वेक्टर है वो किसके बराबर है सर, वो है ए टॉ एवरेज के। और अगर ए की मैं यहां पर बात करूं साइड में लिख दूं तो ए कितना था सर, था माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम, ये था। तो ये वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं, तो वी डी की अगर जो वैल्यू है वो कितनी आएगी सर, वो आएगी माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टॉ एवरेज। ये हमारे पास आ गया फाइनल फॉर्मूला, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर डिराइव हो चुका है। ठीक है, और जो मैंने अभी यहाँ पर साइड में लिखा था वो भी बात कर देता हूं मैं, क्या क्या लिखा था मैंने, यू एवरेज यहाँ पे लिख दिया ऐसे ही, टो एवरेज होगा वो क्या होगा सर, वो होगा टो वन प्लस टो टू प्लस अप टू मतलब रिलैक्सेशन टाइम एन इलेक्ट्रॉन के लिए। और ऐसे ही मैं क्या बात कर सकता हूँ, मैं मीन डिस्टेंस की बात कर सकता हूँ या एवरेज डिस्टेंस की बात कर सकता हूँ। तो इसको मीन बोल देते हैं अपन, ये हो जाएगा लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस अप टू एन पार्टिकल डिस्टेंस जो कवर करेगी इनटू एन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, और ये हो जाएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं होगी, जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे से पूछ सकता है। एक फॉर्मूला यहां पर और बन जाता है जो वैसे पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये दो आयन से इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन चल के गया यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक की जो ड्रिफ्ट या जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वीडी होगी। यहां से लेके यहां तक का जो टाइम होगा सर वो टॉ होगा, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लैम्डा होगी। ठीक है, क्या होगी, लैम्डा होगी। ऐसे अनगिनत होंगे नंबर ऑफ, यानी बथेरे बहुत सारे
इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ऐसा काम कर रहे होंगे, तो क्या मैं इस पर को एवरेज बोल सकता हूँ और क्या मैं इसको मीन डिस्टेंस बोल सकता हूँ? तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं वीडी की, तो क्या वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा? डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? मीन फ्री पाथ, पर टाइम क्या है सर? रिलैक्सेशन टाइम। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर ये भी बन जाता है, इतना जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है, ये स्टार लगा लेना इस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन को तो यहां पर छोड़ देता हूं एक बार और फिर आगे बात स्टार्ट करते हैं अपन। अब क्योंकि अपन जो बात कर रहे हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो सर जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और यहां पे जो वेलोसिटी आ रही है वो कैसी आ रही है सर? या जो भी यहां पे बात की गई है सर, वो किस फॉर्म में की गई है? वेक्टर फॉर्म में। तो सर हम ऐसा कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से हटाइए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से हटा दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या जगह क्या लगाया जा सकता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह उसका काउंटर पार्ट यानी कि पोटेंशियल लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? पोटेंशियल लगाया जा सकता है। तो चलिए उस पर अगर बात करूं मैं, तो मैं क्या बोलता हूं, यहां पे लिख लीजिए, नाउ टू चेक, नाउ टू चेक या नो द वेलोसिटी ड्रिफ्ट इन द सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के केस में जा रहा है। तो मैं वहां पर बात कर लेता हूं, वापस से कंडक्टर लिया हमने, ठीक है, इस बार ये जो बैटरी कनेक्ट की गई है इसी के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करते, इस बार पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल लगाया मैंने भी, इस पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे दोनों एंड पे क्या बनने वाला है सर? पोटेंशियल डिफरेंस बनने वाला है। मान लीजिए कि जो कंडक्टर है उसकी लेंथ मैंने कितनी ले ली है? स्मॉल एल ले ली है, स्मॉल एल ले ली है, और इस स्मॉल या इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ई एक्सटर्नल। यही पहले बात करते हुए आ रहे थे, यही अभी बात है, ठीक है। जैसे ये पोटेंशियल लगाया मैंने किसी कंडक्टर एल लेंथ का, जो कंडक्टर है उसको, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनी और इसके यहाँ पर बीच में भी क्या बनेगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब क्या हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये रिलेशन पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो बिल्कुल हमने एक रिलेशन पढ़ा है, किसके बीच में? ई और वी के बीच में एक रिलेशन हमने पढ़ा है, ठीक है। क्या रिलेशन है अगर मैं उसकी बात कर दूं, तो वो रिलेशन मतलब जो रिलेशन था वो ये था कि डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dx, इस तरीके का कोई रिलेशन हमने पढ़ा था, माइनस नहीं था शायद, हाँ ये रिलेशन था dv इक्वल्स टू edx, ये रिलेशन हमने वहां पर पढ़ा था, देख लेना माइनस है कि नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो dv इक्वल्स टू माइनस edx करके हमने एक रिलेशन वहां पर पढ़ा था, जो किसके बीच में रिलेशन था सर? वो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहां पर अगर dx की बात करूं मैं, ये क्या है सर? ये है यहां पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ई आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और अगर मेरे पास क्या दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो, जैसे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। तो इस केस में या उस केस में मैं इसको क्या लिख सकता हूं? उसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं डेल वी इक्वल्स टू ई डॉट या ई क्रॉस डेल एक्स, ये लिखा जा सकता है जब मेरे पास क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। जब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो उस केस में मैं वेलोसिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, ये dx की बात करूं या dx की बात करूं, ये क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर या चेंज इन द कंडक्टर है, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, डी सॉरी मेरे पास जो डेल वी है इसकी जगह तो वही लिख सकता हूं, ई एज इट इज रह जाएगा, वही लग रहा है ई एक्सटेंडर, और लेंथ की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? एल क्रॉस लेंथ, स्मॉल एल है मेरे पास, ठीक है स्मॉल एल। यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा बी बाई एल, ये हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहां पर पुट कर देता हूं इस फॉर्मूले लाकर, तो इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं, इसको इक्वेशन
टू बोल देता हूँ, इक्वेशन टू से वैल्यू में वहां पे पुट कर रहा हूँ, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी सर, माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ई की जगह वी बाई एल, वी बाई एम एल इंटू टॉप एवरेज। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, और ये फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये जो फॉर्मूला है ये है स्केलर फॉर्मूला, स्केलर फॉर्मूला क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, वेक्टर है। तो ये वेक्टर फॉर्म में है हमारे पास, अगर वेक्टर फॉर्म में आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले तो ये, और यहाँ पे शायद नेगेटिव साइन भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे हमने डायरेक्शन लिया था इसलिए नेगेटिव साइन था। अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछ लिया जाए कि सर वेलोसिटी कहाँ होगी, तो हम बोल सकते हैं कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी। अब नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारे पास फाइनल कहानी आ गई किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, और नेक्स्ट कहानी में अपन उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इस चैप्टर करंट से कैसे जोड़ते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो होप आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। आज जो हमने बात करी वो पूरी बात करी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, इसकी बात करिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, और ये कोशिश करिए कि हमें ये समझ में आ जाए कि जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्या क्या वो इलेक्ट्रॉन वहां पर कर रहा है, क्या क्या उसके पास स्पीड आई, और क्या उसकी फाइनल स्पीड है। तो हमने देखा कि सर उसका थर्मल स्पीड थी, ठीक है, थर्मल स्पीड की बात करें तो वो यू एवरेज थी, है ना, और यू एवरेज जो है वो बहुत बहुत ज्यादा थी किससे, वीडी से। यू एवरेज की बात करें तो ऑलरेडी 10^5 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की थी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, ये जो वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इसकी बात करूं तो ये लमसम 10^-4 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है, 10^-4 मीटर पर सेकंड की होती है। तो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं कहां पे 10^5 आएगी, लाख, 1 लाख हो गया, और कहां ये 10^-4 यानी 0.0001 के ऑर्डर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो अगर हम ओवरऑल देखें किसी इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो कितना मूव कर रहा है किसी सेकंड में, वो इतना सा मूव कर पा रहा है, ये इतनी स्पीड को गेन कर पा रहा है, ठीक। तो ये थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी, होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं एक बार वापिस से, या इसी वीडियो को वापिस से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।